नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल और आज का ये वीडियो है एक अलग प्रेडिक्शन के बारे में। आज का प्रेडिक्शन राशि का फल नहीं है, लेकिन फिर भी राशि प्रेडिक्शन के लिए बहुत जरूरी प्रेडिक्शन है। मंगल ग्रह का फल है, आज का वीडियो है मंगल ग्रह का राशि फल, नक्षत्र पुनर्वसु में मंगल कैसा फल देंगे। आज तारीख 6 जून 2019 है, कल सुबह मंगल राशि परिवर्तन करते हैं और सुबह 7:42 पर इंडिया टाइम पर मंगल चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि चलेंगे 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 4:59 तक पुनर्वसु नक्षत्र में। तो अप्रोक्सीमेटली 21 दिन का जो पीरियड है, 21 दिन का पीरियड बोल सकते हैं, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल कैसा फल देंगे, प्रत्येक राशि में प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को मंगल का फल कैसा रहेगा। मंगल अभी चल रहा है मिथुन राशि में, चलेंगे मिथुन राशि में ही, 22 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और 22 जून को चलेंगे कर्क राशि में और नक्षत्र में चलेंगे ये कल से लेकर 7 जून से लेकर 28 जून की अर्ली मॉर्निंग तक। तो अप्रोक्सीमेटली जो 20 दिन का पीरियड है पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल कैसा फल देंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र क्या है, पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि के तीन चरण जो है, पुनर्वसु के प्रथम तीन चरण जो है वो मिथुन राशि में आते हैं और ये नक्षत्र का चौथा चरण जो है वो कर्क राशि में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो मालिक हैं वो गुरु हैं, यानी कि ये ज्ञान का नक्षत्र है, ज्ञान वाहक नक्षत्र है, नॉलेज वाला नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। पुनर्वसु का मतलब क्या होता है, पुनर्वसु माने फिर से बसना। तो जो कोई भी जातक का कुछ ट्रांसफरेबल जॉब है या कुछ ट्रांसफर होने की संभावना है और मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका कार्य जल्दी हो सकता है। देखते हैं आज के प्रेडिक्शन के अंदर मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में 7 से लेकर 28 की अर्ली मॉर्निंग तक जो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं मिथुन एवं कर्क राशि में ये आपको कैसा फल देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र, जैसे बताएं कि इसके नक्षत्र मालिक जो है वो गुरु है और इसके कारण ये ज्ञान के कारक हैं और नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं। ओवरऑल जनमानस के अंदर नॉलेज में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, पढ़ाई करने वाले जातकों में पढ़ाई में प्रोग्रेस होता है। और मंगल माने मिलिट्री, सेनापति, लश्कर, पुलिस, ये सब जो है इनके अंदर भी ज्ञान की वृद्धि होती है, नॉलेज की वृद्धि होती है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन का जो है वो व्याप बढ़ेगा। तो मंगल जो है ये नॉलेज में वृद्धि करने वाले बनेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। सर्वप्रथम आपको बता दें कि मेष राशि के लिए मंगल का फल क्या है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जो मंगल ये पुनर्वसु नक्षत्र में चलेंगे ये आपके वध तारा में चलेंगे। अब वध तारा के अंदर कोई भी ग्रह का फल शुभ नहीं होता है और मंगल के अंडर में खास करके कौन कौन सी चीज़ आपकी देखनी चाहिए। तो एक तो मंगल के अंडर में जनरल जो प्रेडिक्शन है कि मंगल के अंडर में जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, आपके भाई बहन माता पिता अपने संतान आपके संतान, तो ये सब जो है वो मंगल के अंडर में आते हैं। और दूसरा आपको क्या देखना है कि दूसरा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके चंद्र राशि से और सूर्य राशि से मंगल कौन से स्थान में भ्रमण करने वाले हैं, उस स्थान को उस हिसाब से वो इफेक्ट करेंगे। तो प्रेडिक्शन में आपको ऐसे देखना है कि चंद्र से भी देखें और सूर्य से भी देखें। तो चंद्र से जो ग्रहों का इफेक्ट होता है वो आपके मन के ऊपर इफेक्ट करता है और सूर्य से जो इफेक्ट होता है वो फिजिकल इफेक्ट होता है, मतलब शारीरिक इफेक्ट होता है। फिजिकल इंजरी जो होना है तो सूर्य से आपको देखना है और मेंटल डिस्टर्बेंस जो देखना है, मानसिक डिस्टर्बेंस, मानसिक तनाव, तो ये आपको चंद्र से देखना चाहिए। तो मंगल का ये फल आप ऐसे ही देखिए। और हम तो अभी नक्षत्र में बताते हैं कि प्रत्येक राशि में प्रत्येक नक्षत्र में
प्रत्येक नक्षत्र के लिए क्या अलग अलग फल हैं ये प्रेडिक्शन बता रहे हैं। देखते रहिए वीडियो एंड तक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल पर। अब यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में जो मंगल का फल है, ये मंगल आपके वध तारा के अंदर चलेंगे। वध नक्षत्र में मंगल का फल शुभ नहीं होगा। आपके भाई बहन माता पिता अपने ब्रदर सिस्टर नेबर ये सब की ओर से आपको टेंशन स्ट्रेस आने की संभावना रहेगी। नए साहस में भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम स्थान के अंदर चल रहे हैं और 22 जून को मंगल चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करवाएंगे रिलेशन में, खास करके माता एवं पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, और यदि आप विवाहित हैं तो इन लॉस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, तो इनके लिए जो ये मंगल का ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके लिए जो ये मंगल चलेंगे ये साधक तारा के अंदर चलेंगे, तो सफलता देने वाले बनेंगे, आपको ज्ञान में वृद्धि करने वाले होंगे, आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। तो यही डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का, कि एक ही राशि के अंदर एक नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को ये फल टेंशन वाला है, जबकि दूसरे नक्षत्र वाले जातक को ये फल सफलता देने वाला है। तो जान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है, तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका नक्षत्र और राशि क्या है। देखते रहिए वीडियो एंड तक। भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल का फल शुभ रहेगा। कृतिका नक्षत्र के जो जातक है मेष एवं वृषभ राशि के अंदर, इनके लिए जो मंगल है ये आपके प्रत्यारी नक्षत्र में चलेंगे। प्रत्यारी माने ऑपोजिशन। तो आपको क्या होगा कि वृषभ राशि में जो कृतिका नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, इनके लिए जो मंगल का फल है ये आपके 12वें स्थान के अंदर, मंगल का जो पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण है ये आपके धन स्थान के अंदर होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कृतिका नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल धन स्थान के अंदर प्रत्यारी नक्षत्र में चलेंगे। तो फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल क्षेम तारा के अंदर चलेंगे, तो आपके लिए शुभ है। फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए शुभ रहेगा। और मृगशीर्ष नक्षत्र में वृषभ राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल विपत नक्षत्र में चलेंगे, तो जिसके कारण आपके जो ब्लड रिलेटिव है वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई बात से बात का बतंगड़ बन जाता है, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो क्या करना है आपको, वाणी में संयम बरतना है, वो भी खास करके कुटुंब के अंदर। आंखों का विशेष केयर करना होगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वाणी में संयम बरतना होगा और आंखों का विशेष केयर करना होगा। साथ साथ जो मंगल की दृष्टि है पंचम स्थान के अंदर है, जिसके कारण पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा। लव मैटर में माइंड और डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस करेंगे। आग एवं इलेक्ट्रिक से भी आपको केयर करना होगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान के अंदर है, थोड़ा सा भाग्योदय में रुकावट भी महसूस करेंगे दृष्टि संबंध के कारण। तो ये दृष्टि का फल है। और नक्षत्र के हिसाब से मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातक थोड़ा ज़्यादा ही चिंता टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे वृषभ राशि में, क्योंकि आपके लिए मंगल विपत नक्षत्र में चलने वाले हैं। 7 से लेकर 27 का समय जो है वाणी में संयम बरतें और आंखों का विशेष केयर करें। तीसरी राशि मिथुन राशि के अंदर भी मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन बढ़ेगा, और ये स्ट्रेस टेंशन आपको अपने पार्टनर की ओर से मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब आपकी राशि के अंदर जब मंगल चलते हैं तो आपके सप्तम स्थान को इफेक्ट करते हैं, माता के स्थान को इफेक्ट करते हैं, माता के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो इन लॉस के साथ भी प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। कर्क राशि, राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के लिए मंगल 12वें स्थान के अंदर चलेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में 12वें स्थान में मंगल का फल शुभ नहीं होगा। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं।
हालांकि जो खर्च है वो धार्मिक यात्रा प्रवास के अंदर हो सकता है, एजुकेशन या कोचिंग के लिए हो सकता है, तो शुभ कार्य में आपका खर्चा होगा। और फिर भी जो 12वें स्थान के अंदर है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपको शायद आ सकता है, तो ये सब सेक्टर में आपको केयर करना होगा, आंखों का विशेष केयर करना होगा। राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये मंगल का जो फल है ये शुभ नहीं होगा। ऐसा जनरल प्रेडिक्शन है कि लाभ स्थान के अंदर मंगल शुभ फल देते हैं, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि मंगल जो चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो पुनर्वसु नक्षत्र की जो योनि है वो मांजर योनि है। मांजर माने बिल्ला, बिल्ला या तो बिल्ली, और योनि जो है वो नक्षत्र की बहुत इफेक्ट करती है प्रेडिक्शन के अंदर। और सिंह राशि के जो नक्षत्र है वो इस प्रकार है, मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तो सिंह राशि के मघा एवं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं, इनके इनकी जो योनि है ये मूषक योनि है। मूषक माने चूहा। तो ये मंगल का जो ट्रांजिट है पुनर्वसु नक्षत्र में 7 से लेकर 27 का जो पीरियड, 20 दिन का पीरियड है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ, यानी कि आपके भाई बहन माता पिता, खास करके संतानों की ओर से आपको थोड़ा ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहे हैं जो आपके पंचम स्थान में दृष्टि करते हैं। तो संतान जो आपके हैं वो आपके अगेंस्ट में चले, आपका कहा ना माने, अदरवाइज आपके विरुद्ध विपरीत अपेक्षा के कार्य करें, ऐसी कोई भी परिस्थिति का निर्माण होता है जिसके कारण आप थोड़ा सा दुख और टेंशन का अनुभव करेंगे, ऐसा हो सकता है। और सिंह राशि में जो कोई जातक का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए मंगल जो चलेंगे पुनर्वसु में, ये आपके प्रत्यरी नक्षत्र में चलेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं होंगे। आपका मित्रों के साथ ऑपोजिशन हो सकता है, आपके संतानों के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है, लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे, जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। मंगल का कन्या राशि के अंदर क्या फल होगा, उत्तर फाल्गुनी वाले जातकों के लिए जैसे बताया कि प्रतिरी जोन के अंदर चल रहे हैं, तो आपका ऑपोजिशन होने वाला है, खास करके जॉब में अपर लेवल के साथ। यदि आप विवाहित हैं तो इन लॉस के साथ, इन लॉस में भी खास करके मदर इन लॉ के साथ आपका ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 10वें स्थान से अंदर आपके मदर इन लॉ जो हैं वो आपके 10वें स्थान से देखे जाते हैं। तो मंगल का ऑपोजिशन क्रिएट करवाएंगे जॉब में अपर लेवल के साथ, यदि आपका कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, पिता से लाभ रहेगा, माता से लाभ रहेगा, आपका एप्रिसिएशन होता है, मंगल आपको राजयोग करने वाले बनेंगे 10वें स्थान के अंदर। और कन्या राशि में ही चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक वंस अगेन टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल आपके विपत नक्षत्र में चलने वाले हैं। तो जान लीजिए कि आपका नक्षत्र क्या है, यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका नक्षत्र क्या है तो आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, वीडियो के आखिर में हम आपको नंबर भी बताते हैं, देखते रहिए एंड तक वीडियो। राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल भाग्य स्थान के अंदर चलेंगे, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में चलेंगे, जो कि तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुभ नहीं होंगे। तुला चित्रा वाले टेंशन स्ट्रेस महसूस करेंगे, खास करके अपने ब्रदर सिस्टर एवं नेबर्स के साथ रिलेशन के कारण यहाँ पर आपको तनाव क्रिएट हो सकता है, आपके नेबर्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, आपके माता के साथ, क्योंकि अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव के अंदर पड़ती है और मंगल आपके विपत नक्षत्र में चल रहे हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, अनएक्सेप्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। तो तुला राशि में खास करके चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल का फल शुभ नहीं होगा, लेकिन तुला राशि में ही स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले होंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए संपत्ति तारा के अंदर चलेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस के अंदर कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, फाइनेंस रिलेटेड आपके बड़े कार्य हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर आपको सपोर्टिव बनेंगे,
आपको उनसे बहुत लाभ मिल उनसे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। नए साहस से भी आपको लाभ मिल सकता है, माता से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो यही डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का कि तुला में चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक टेंशन महसूस करेंगे, जबकि स्वाति नक्षत्र वाले जातकों के लिए मंगल एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले होंगे। राशि चक्र की सातवीं राशि तुला एवं विशाखा, तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल का जो फल है ये संपत्त तारा जन्म के नक्षत्र में जलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आपके लिए ये मध्यम फलदायी होंगे। वृश्चिक राशि में भी विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जन्म तारा के अंदर होंगे तो आपके लिए ये मध्यम फलदायी है, लेकिन मंगल अष्टम स्थान के अंदर चल रहे हैं 22 जून तक शुभ नहीं होंगे। फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर आपको ज़्यादा केयर करना होगा, आग एवं इलेक्ट्रिक से भी केयर करना होगा, वाहन चलाने में भी विशेष केयर करना होगा। और वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल अति मित्र नक्षत्र में चलेंगे, आपको अपने फैमिली मेंबर्स हेल्प करने की ट्राई करेंगे, लेकिन ये हेल्प आपके लिए थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो सकता है क्योंकि मंगल अष्टम स्थान के अंदर है जो आपको पूर्ण सहाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल खाड़े के स्थान में चल रहा है 22 जून तक। और तुला वृश्चिक राशि में जो कोई भी जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए भी मंगल का जो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहा है ये आपके मित्र नक्षत्र में चलेंगे, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जैसे वन सेकेंड बताया कि अनुराधा नक्षत्र का जो फल है अनसेटिस्फाइड सिचुएशन रहेगा अपने फैमिली मेंबर की ओर से। धनु राशि, राशि चक्र की नौवीं राशि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि धनु राशि, धनु राशि के लिए मंगल सप्तम स्थान के अंदर चलेंगे, मूला नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल का जबरदस्त खराब फल है, बहुत अशुभ फल है, क्योंकि मंगल एक तो आपके वध तारा के अंदर चल रहे हैं, जैसे मघा नक्षत्र वाले जातकों के लिए भी वध तारा के अंदर है और अश्विनी वाले के लिए भी वध तारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब फल है मघा एवं मूला नक्षत्र वाले को। मघा नक्षत्र वाले ज़्यादा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, जबकि मूला नक्षत्र वालों के जातकों के लिए भी सेम सिचुएशन रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम स्थान के अंदर मंगल शत्रु योनि में चलेंगे। मूला नक्षत्र की जो योनि है वो श्वान योनि है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र की जो योनि है वो मांजर योनि है, तो ये दोनों कट्टर शत्रु है, कट्टर दुश्मन है, आपको खास करके रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है अपने पार्टनर के साथ। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ आपको ज़्यादा केयर करना है। यदि आपका जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है तो एक्सट्रीमली अशुभ फल देने वाले होंगे मंगल आपको पार्टनरशिप के बारे में और अपने लव लाइफ के बारे में। मंगल पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए कैसा फल देंगे, धनु राशि में जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए मंगल साधक तारा के अंदर चलेंगे, जो आपके लिए शुभ है, नए साहस के साथ आपको आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ आपको कुछ सिखाएंगे और पार्टनर की ओर से आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और धनु राशि में ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए वन सेकेंड पार्टनरशिप में ऑपोजिशन हो सकता है, क्योंकि ये गुरु मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र में आपके प्रतिरी जोन में चलेंगे यानी कि ऑपोजिशन में चलेंगे, तो आपके लिए फल शुभ नहीं होगा। ऐसे ही मकर राशि के अंदर जो कोई भी जातक का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपको साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण से ऑपोजिशन हो सकता है, क्योंकि मंगल का जो मिथुन राशि में ट्रांजिट है आपके लिए छठवें स्थान के अंदर है, छठवें स्थान रोग एवं शत्रु का स्थान है, यहाँ पर आद्य नाड़ी में मंगल चलेंगे तो पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल वायु प्रकोप भी आपका बढ़ सकता है। और उत्तराषाढ़ा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक थोड़ा सा ऑपोजिशन महसूस करेंगे साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण से। मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए एक सेम तारा के अंदर चलेंगे मंगल शुभ फल देने वाले होंगे, और मकर राशि में ही कनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए मंगल विपक नक्षत्र में चलेंगे पुनर्वसु में, तो आपको ये शुभ फल देने वाले नहीं होंगे।
आपके लिए ये विपद विपद माने टेंशन क्रिएट करेंगे, जैसे अपने हम अभी आपको बताएं कि साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण। और छठवें स्थान से आप रिलेशन में देख सकते हैं मामा मौसी, ये जो रिलेटिव्स हैं आपके ब्लड रिलेटिव्स, ये भी आपके लिए टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में चलना मंगल के अंडर बन सके। ना आपको बता दें कि आपके ब्लड रिलेटिव्स जो भी हैं, भाई बहन माता पिता अपने आपके संतान, ये सब ब्लड रिलेटिव्स के अंदर आते हैं, तो ये सब लोग टेंशन क्रिएट करवा देंगे। मकर कनिष्ठा एवं कुंभ कनिष्ठा, कुंभ कनिष्ठा वाले जातकों के लिए भी मंगल पंचम स्थान के अंदर चलेंगे तो संतान रिलेटेड आपके चिंता टेंशन बढ़ने वाले हैं। और कुंभ राशि में ही जो कोई भी जातक का जन्म सप्तदिशा नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए मंगल का फल शुभ होगा, क्योंकि मंगल आपके संपत्त तारा के अंदर चलेंगे तो आपका पूर्व जन्म का पुण्य कर्मों का उदय होने वाला है और आपको ये एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला मंगल का फल होगा। और कुंभ राशि में ही जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो मंगल आपके जन्म तारा के अंदर चलेंगे, जो आपके लिए मध्यम फलदायी है। राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए वन सेकेंड बता दें कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जन्म तारा के अंदर है, लेकिन चतुर्थ भाव के अंदर मंगल का फल शुभ नहीं होगा। इसके कारण खास करके आप रिलेशन में माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, विवाहित आप यदि आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ सभी जगह पे आपको केयर करना होगा। मीन राशि में यदि आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो मंगल आपके अति मित्र नक्षत्र में चलेंगे, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं वो आपको सहाय करेंगे, हेल्प रूप होंगे, लेकिन इतना भी आप हेल्प महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव के अंदर है और जो शुक्र की अनुभूति नहीं करने देने वाले हैं। और मंगल का जो रेवती मीन राशि में जो कोई भी जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए मंगल मित्र नक्षत्र में चलेंगे पुनर्वसु में, तो आपके लिए भी मंगल का फल जो है वो मध्यम फलदायी है। हालांकि चतुर्थ भाव के अंदर मंगल का फल शुभ नहीं होगा, इस हिसाब से आपको भी माता के साथ, पिता के साथ, जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ, विवाहित हैं तो इन लॉज के साथ, सभी जगह पे आपको केयर करना होगा। मंगल के पुनर्वसु नक्षत्र की शांति के लिए क्या करें, क्योंकि मंगल और राहु दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में साथ चल रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राहु भी अभी चल रहे हैं और मंगल भी साथ में चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग तक 4-5 बजे तक जो चलते हैं, 27 दिन का जो ये पीरियड है 7 से लेकर 27 का, तो मंगल और राहु पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना चाहिए, पुनर्वसु नक्षत्र की शांति के लिए बिल्ली को दूध पिलाएं। खाने में आपको बेसन की कोई भी आइटम, चना की आइटम या तो भुना हुआ चना खाना का खाने का प्रयोग करना चाहिए। कपड़ों के अंदर आप येलो कलर के टी शर्ट हैं, शर्ट हैं, जैकेट हैं, पीले कलर के कपड़ों का आप ज़्यादा यूज़ करें पहनने में। खाने में बेसन के आइटम का ज़्यादा प्रयोग करें। और नक्षत्र की शांति के लिए बिल्ली को या बिल्ले को दूध पिलाएं। एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी आप राय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामना करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का एक बटन तो जरूर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन बटन भी दबा दीजिए। आप जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामना के साथ नरेश एस्ट्रोलॉजर का जय गणेश।